हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इसी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोरोना सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं और बहुत सारे लोग अपने जान भी दे चुके हैं। उनमें से एक सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर बहुत सारे दिनों से बंद पड़े हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होते जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग नॉर्मल सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से गुड न्यूज़ आ रहा है कि एजुकेशन सेक्टर फिर से रीओपन की जाएगी। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी स्टेट कब एजुकेशन सेक्टर को रीओपन करेंगे, इसका डिसीजन ले रहे हैं उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में 10th और 12th स्टूडेंट के लिए स्कूल खुल चुका है, लेकिन स्टूडेंट तब स्कूल जा सकते हैं अगर वो कंटेनमेंट जोन से बिलोंग नहीं करते। त्रिपुरा में भी स्कूल 9th और 12th स्टूडेंट के लिए खुल चुका है, लेकिन पहले पेरेंट्स के परमिशन स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा। फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट अक्टूबर 5th से अपने स्कूल को खुल चुके हैं। उत्तर प्रदेश की यूपीए से यूपी गवर्नमेंट को स्कूल रीओपन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जहां तक कि न्यूज़ का कहना है कि दिसंबर 1 को वो लोग स्कूल रीओपन करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट कोरोना सिचुएशन को देखते हुए स्कूल रीओपन करने की सलाह दी है, लेकिन ओनली फॉर सीनियर स्टूडेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड की है कि उन लोगों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी 21 दिसंबर से रीओपन होगा। और अदर स्टेट्स जैसे कि आसाम, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे 21 सितंबर से स्कूल खुलने की परमिशन दी गई है। लेकिन कोरोना सिचुएशन के कारण 70% पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के खिलाफ है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।